तो गाइस जैसा हमने आपसे वादा किया था उसी वादे के मुताबिक आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं इस स्पेस शटल को उड़ाने के लिए गाइस। तो हमने आपको पिछले वीडियो में यही कहा था कि हम इस स्पेस शटल को उड़ाएंगे, जिसमें हमने अपने पोटासियम नाइट्रेट का अनबॉक्सिंग भी किया था। तो आज हम उड़ाएंगे स्पेस शटल को। तो गाइस वीडियो में बने रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। उड़ाने वाले स्पेस शटल को तो काफ़ी मजा आने वाला है वीडियो में। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, तब तक भी हम लोग रेडी करते हैं स्पेस शटल को। तब तक भी आप कुछ सिनेमैटिक सीन्स देख लीजिए। गाइस अब बारी है इस अपने रॉकेट पे, इसके जो फ्यूल यहाँ पे, हम यहाँ पे फ्यूज लगाएंगे और ये फ्यूज जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज है जो हम अपने बाइक से इसे ऑपरेट करेंगे। तो जैसे हम अपने बाइक का हॉर्न दबाएंगे वैसे बैंग। तो गाइस अभी इस हॉल में हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फ्यूज को लगाने वाले हैं और करते हैं जब तक रेडी। तब तो गाइस एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको पोटासियम नाइट्रेट खरीदनी है तो गाइस ये तो वैसे किसी बच्चे के खेलने की चीज़ नहीं है, ये जल्दी मिलती भी नहीं, लेकिन मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। पर हाँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई इलीगल वर्क के लिए नहीं। सो गाइस इसमें फटाफट हम इसका फ्यूज़ को लगाते हैं। तो गाइस ऐसा आप कभी घर पे या कहीं करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि इसमें थोड़ा जो है डेंजर चीज़ बोले तो यूज़ किया गया है। सो हम आते हैं ये सब करने के लिए पब्लिक प्लेस और पब्लिक प्रॉपर्टी से काफ़ी दूर। तो गाइस ऐसा आप घर पर करने की कोशिश ना करें। तो गाइस इस तरह के एक्सपेरिमेंट के कारण हमारे चैनल पे स्ट्राइक भी आ चुका है। सो मैं पूरा मतलब कहूँगा कि ऐसा आप करने की कोशिश ही ना करें, ठीक है। 3 महीना स्ट्राइक के बाद हमारा चैनल खुला है जी, फिर मत कीजिए कोई ऐसा करना, ठीक ना। तो गाइस चलते हैं फटाफट इसे उड़ाने वाले हैं। तो तब तक के लिए एडिटर साहब रोल द इंट्रो। तो गाइस अभी हम उड़ाने जा रहे हैं स्पेस शटल को। तो गाइस हमारा जो है पूरा सिस्टम रेडी है। हमने इस वायर को जो है, हमको दिखा दो, हमने इस वायर को जो है अपने बाइक के साथ कनेक्ट कर दिया गाइस। तो ये हमारे हॉर्न के साथ कनेक्ट है, जैसे ही हम यहाँ हॉर्न दबाएंगे वैसा ही बैंग। तो शुरू करते हैं अब काउंटडाउन, उसके बाद चलेगा हमारा स्पेस शटल। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा तो उतना अच्छा से ऊपर नहीं जा पाई, एक तरह का टेस्टिंग वीडियो था जो कि इसे हम स्कूल में दिखाने वाले थे, इसे टेस्ट कर रहे थे। तो टेस्टिंग में हमें थोड़ा यहाँ फॉल्ट नज़र आया है कि यहाँ 2 मिसाइल था तो एक ज़्यादा प्रेशर दिया और एक कम प्रेशर दिया, जिसके कारण से देखिए वो जो लोहा का जो छड़ है वो बेंड हो चुका है। एक साइड से अधिक प्रेशर, एक साइड से कम दिया तो ये थोड़ा बेंड चला गया, लेकिन उड़ा था खतरनाक गाइस। तो एक ये भी हमारा गुम हो चुका था जो कि आगे उधर कहीं गिरा हुआ है। चलो देखते हैं गाइस, अभी ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है गाइस। तो हम दिखाते हैं इसका लॉन्च पैड का भी हालत कैसा हो चुका है। ये देखिए गाइस
ये हमारा साइड का जो था वो भी पूरा बेंड हो चुका है और ये इधर से बेंड हो चुका है। तो आपको यहाँ से पता चल ही रहा होगा कि ये उस साइड गया हुआ था, उस साइड गया, आपके वीडियो में तो देखे ही होंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का हाल हो चुका है अभी इसका लॉन्च पैड का। तो गाइस ये जला बहुत ही ख़तरनाक गाइस, लेकिन थोड़ा कम प्रेशर और ज़्यादा प्रेशर होने के कारण से हल्का सा बेंड हो गया, वरना ये सीधा जाता। तो गाइस एक्सपेरिमेंट्स में इसी तरह से होता है, या तो सक्सेस मिलेगा या तो फिर, समझ रहे हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते इसी तरह के अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो हो सके तो इसे हम फिर से कुछ नया मॉडिफाई करेंगे तो वो भी दिखाएंगे, नया मॉडिफाई करके इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिए। अपने मेहनत के लिए मांग रहे गाइस, इतना जो मेहनत किया सारा चला गया देख सकते हैं, तो एक लाइक तो बनता है गाइस। तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।